ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य कौन सुनाएगा? पहले भगवान के महावाक्य सुनना चाहिए ना। तो बाबा ने आज आके हम बच्चों को क्या श्रीमत दिया, सारा दिन में क्या करो। हम कहते हैं भगवान के श्रीमत पर चलना है ना, और किसी के नहीं, शास्त्रों के नहीं, देवताओं के नहीं, मनुष्य के नहीं, साधु संतों के नहीं। तो किसके श्रीमत पर हमारा जीवन सवेरे से रात तक चलना चाहिए? तब बाबा ने कल कहा आपको कि श्रेष्ठ कर्म होगा, एक का पदम गुना जमा होगा। कर्म तो करेंगे लेकिन किसके श्रीमत पर कर्म करते हो? तो बाबा का श्रीमत क्या है आज, आज के कल अलग बताया था। आज श्रीमत क्या बताया बाबा ने, कहा ज्ञान अग्नि, योग अग्नि है। फिर बाबा ने कहा माया आएंगी लेकिन आप डरो नहीं, लेकिन क्या करो, देही अभिमानी का अभ्यास करो। विधि में बता माया आएंगी और माया आने के बाद भी आप डरो नहीं, लेकिन आप क्या करो, कुछ करना पड़ेगा ना, देही अभिमानी का अभ्यास करो। तो ये फिर बाबा ने आज कहा तीर्थ स्थान मधुबन तीर्थ स्थान, मधुबन तीर्थ स्थान को याद करो तो पुण्य आत्मा बनेंगे। तो दुनिया वाले आपकी यादगार है, दुनिया वाले सब जगह तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो क्या कहते, गंगा में स्नान करके आए पवित्र हो गए, पावन हुए। क्या आप मधुबन जाके आए पावन हो गए? तो लोग भी पूछेंगे आपको, वो चार धाम की यात्रा करते हैं है ना, पुण्य आत्मा बनने के लिए, पाप मिटेगा। आप भी कहते हैं हम भी मधुबन जाते हैं, मधुबन महान तीर्थ स्थान है। क्या आपको पूछेंगे कि आप पावन हुए? क्या बताएंगे? हाँ करते हो, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ, पूछेंगे ना वो, उनको आप पूछते हो उस यात्रा में जाके पावन नहीं हुए। तो आप अगर श्रेष्ठ यात्रा है तो बाबा ने कि इसको स्मृति में लाने से भी तो आप पावन बन जाएंगे। कैसे, सोचने के, चिंतन करना। हाँ मधुबन याद आते ही मधुबन में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बताते हैं बच्चों गुस्सा नहीं करना, दुख नहीं देना, या श्रीमत याद आता है ना। तो हमारे मन में किसी के प्रति गलत विचार थे वो अपने आप परिवर्तन होते हैं। मधुबन में कैसे योग करते हैं बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसे तपस्या किया, दादियों ने कैसे तपस्या किया, कैसे इतने बड़े हो गए, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत कैसे बना, मुझे भी ऐसे तपस्या ज्ञान योग करना चाहिए है ना। ये स्मृति है, वहां गंगा नदी में गया स्नान करके आए, क्या हुआ, वो स्मृति है नहीं, दर्शन करके आए क्या हुआ, कुछ वहां जाने के आपको कुछ प्रेरणा मिली, कुछ ज्ञान मिला।